हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लेक्चरर दीपक मित्तल, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी का ये फर्स्ट लेक्चर है ग्रुप थ्योरी पे। इसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन सेंटर ऑफ ग्रुप की और नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट, और सबसे बड़ी बात इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पर कंफ्यूज होते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड नॉर्मलाइजर। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि सेंटर फाइंड कैसे करते हैं, नॉर्मलाइजर कैसे फाइंड करते हैं, और उनका कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस करते हैं सेंटर की कि सेंटर क्या होता है। सेंटर ऑफ ए ग्रुप, तो मान लो जी हमारे पास एक ग्रुप है जिसके ऊपर जो कंपोजिशन दी हुई है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है, द सेंटर ऑफ ग्रुप जी इज डिनोटेड बाय जेड जी। हम इसको नॉर्मली जेड जी से डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है, इज डिफाइंड एज जेड जी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू एक्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। मतलब क्या है इसका कि जो सेंटर है, ये जो सेंटर है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली ग्रुप में से ही आएंगे, तो इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट आएंगे जो कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। एक्स इंटू जी, जी इंटू एक्स, ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो ग्रुप के वो एलिमेंट इसमें इंक्लूड होंगे जो कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। ओके, तो लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी होगी। तो हमें पता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसको किसी भी एलिमेंट के साथ हम ऑपरेट करें, ई मल्टीप्लाइड जी तो भी जी आएगा, जी मल्टीप्लाई ई करेंगे तो भी जी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ई इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू ई फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू ग्रुप। मतलब जो ई है वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ई क्या हो गया, जेड जी को बिलोंग कर गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का वो ग्रुप के सेंटर में हमेशा आएगा ही आएगा, ऑलवेज। तो इसका मतलब जो सेंटर है वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता क्योंकि आइडेंटिटी उसमें आएगी आएगी। और जो सेंटर है, ये जो सेंटर बनता है हमारे पास, ये क्या होता है, ग्रुप का सब ग्रुप होता है। इसको हम एक अलग लेक्चर में अलग थ्योरम का प्रूफ कर लेंगे इसका। और एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ग्रुप एबिलियन है, ग्रुप एबिलियन है मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूरे ग्रुप पे सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं। तो अगर सारे ही एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट कर रहे हैं तो सारे ही एलिमेंट जेड में आ जाएंगे, और जेड क्या हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ग्रुप एबिलियन है तो जेड जी और जी जो है वो इक्वल आएंगे। तो ये थी सेंटर की डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मलाइजर। तो जो सेंटर है, सेंटर होता है ग्रुप का, पूरे ग्रुप का एक सेंटर होता है। और जो नॉर्मलाइजर है, नॉर्मलाइजर होता है एलिमेंट का कि जितने भी ग्रुप में एलिमेंट्स हैं सबके नॉर्मलाइजर अलग अलग होंगे। ठीक है, सबके नॉर्मलाइजर होंगे, उस वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जो एलिमेंट है और उसका जो इन्वर्स है दोनों का नॉर्मलाइजर सेम आता है। तो सेम, मान लो जी एक ग्रुप है जिसके ऊपर कंपोजिशन हमें दी हुई है मल्टीप्लिकेशन, ए ग्रुप का कोई एलिमेंट है, तो नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन क्या है, मान लो ए एक पर्टिकुलर एलिमेंट है तो उसका जो नॉर्मलाइजर है उसको हम डिनोट करते हैं एन ए से। और एन ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स तो ग्रुप के ही आएंगे बट सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए के साथ कम्यूट करते हैं। ठीक है, ग्रुप में वो एलिमेंट आते थे जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते थे, और एन ए में ग्रुप के वो एलिमेंट आते हैं जो सिर्फ ए के साथ कम्यूट करते हैं। अब हमें पता है कि अगर ग्रुप की आइडेंटिटी ई है तो ई तो क्योंकि सबके साथ कम्यूट करती है तो ई ए के साथ भी कम्यूट करेगी, ए क्रॉस ई इज इक्वल टू ए क्रॉस ई क्रॉस ए आएगा। तो इसका मतलब ई क्या होगी, एन ए को बिलोंग करेगी। तो ये फर्स्ट रिजल्ट है कि ई बिलोंग्स टू एन ए ऑलवेज और फॉर
ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब आप ग्रुप में कोई भी एलिमेंट लो उसका नॉर्मलाइजर फाइंड करो, हर एक नॉर्मलाइजर में आइडेंटिटी हमेशा आएगी ही आएगी। तो इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का हम अगर नॉर्मलाइजर लेंगे तो किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर एम्प्टी नहीं आएगा, और नॉर्मलाइजर जो है वो सब ग्रुप होगा, ठीक है। और एन ऑफ ई मतलब जो आइडेंटिटी का नॉर्मलाइजर है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है, पूरे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करती है। इसका मतलब सारे एलिमेंट ई के साथ कम्यूट करते हैं, मतलब ई स्टार ई मल्टीप्लाई एक्स, एक्स मल्टीप्लाई ई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब ई ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करती है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स नॉर्मलाइजर ऑफ ई में आ गए, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ई क्या बन गया, ग्रुप के इक्वल हो गया। तो ये हमें दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है और नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। अब जो एग्ज़ाम में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि फॉर एन एबिलियन ग्रुप, ये एक एबिलियन ग्रुप का क्वेश्चन है और एक नॉन एबिलियन ग्रुप का क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर एन एबिलियन ग्रुप इफ जेड जी इज सेंटर ऑफ ग्रुप एंड एन ए इज नॉर्मलाइजर ऑफ ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब क्वेश्चन दोनों सेम है, बस एक में एबिलियन ग्रुप है एक में नॉन एबिलियन ग्रुप है, ऑप्शंस भी सेम है। तो एबिलियन ग्रुप में कौन सी ऑप्शन आनी है और नॉन एबिलियन में कौन सी, तो इसको समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक ग्रुप लिया हमने जिसमें चार एलिमेंट्स हैं, वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा, और कंपोजिशन ली है इस पे मल्टीप्लीकेशन। तो फाइनाइट ग्रुप का हम टेबल बनाते हैं, टेबल कैसे बनाना है वो हम सीखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं कंपोजिशन, ये कंपोजिशन है जो मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर चारों एलिमेंट्स ग्रुप के लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर भी चारों एलिमेंट्स आ गए ग्रुप के। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में कंपोज करना है। जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट आना है वो कैसे आएगा, वो इस वन और वन की मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, और वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वन। इस वन और माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये जो वन है और ये माइनस वन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन। सिमिलरली वन और आयोटा, वन और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा, ये माइनस आयोटा। फिर यहाँ पर माइनस वन और वन को करेंगे तो माइनस वन वन माइनस आयोटा, और ये हो गया हमारे पास आयोटा, ये आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस आयोटा, ये आयोटा, और ये वन, और ये हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि आपको ये जो टेबल बन गया, यहाँ से ये पता चल जाता है हमें कि ये ग्रुप जो है वो एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। कैसे पता चलता है, हम लिखते हैं इसको कि ये हमारी फर्स्ट रो है, अगर बात करें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये फोर्थ रो है। ऐसे ही ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, और ये फोर्थ कॉलम है। हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं स्टेटमेंट को छोड़ के इसमें। तो अब इसमें देखो, जो हमारी फर्स्ट रो है वो क्या है, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, और जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या है, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा। मीन्स क्या हुआ हमारे पास कि जो आर वन है वो सी वन के इक्वल है, आर टू है वो सी टू के इक्वल है, आर थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम के इक्वल है, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम के इक्वल है। अगर सारी रोज सारे कॉलम्स के इक्वल हों, मतलब अगर मैट्रिक्स की टाइप में बात करें तो हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज बन जाएगा एक तरह से, वो अगर इक्वल है तो जो ग्रुप है ग्रुप एबिलियन हो जाता है। तो यहाँ पर सारी रोज इक्वल हैं कॉलम्स के, तो इसका मतलब ये जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। तो एबिलियन ग्रुप में तो क्या होता है, सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। इसका मतलब जेड में कौन से एलिमेंट आएंगे, जेड में सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो जेड जी क्या हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा।
अब अगर हम ग्रुप में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट ए लेते हैं तो ए के साथ भी सारे को म्यूट कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप एबिलियन है, तो एन ए क्या है, एन ए भी जी के इक्वल आ जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या बनेगा कि एन ए इक्वल टू जेड जी हो जाएगा। तो जो हमारा ये क्वेश्चन था कि एबिलियन ग्रुप में इनमें से कौन सी ऑप्शन आएगी, तो जेड जी इज इक्वल टू एन ए आ जाएगा। ओके, तो अब हमें पता है कि एबिलियन में जेड जी इक्वल टू एन ए है, तो नॉन एबिलियन में तो जेड जी एन ए के इक्वल आएगा नहीं, तो उसमें बी या सी ऑप्शन में से आना है। तो मीन्स या तो जेड जी सबसेट है एन ए का या एन ए सबसेट है जेड जी का। तो कौन सी राइट ऑप्शन है, कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। तो एक और ग्रुप लिया है हमने जिसमें एट एलिमेंट्स हैं, प्लस माइनस कैपिटल आई, प्लस माइनस स्मॉल आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के। ठीक है, और आई कैपिटल आई स्मॉल आई जे के है क्या, तो वैल्यूज़ हमें लिखी हुई हैं कि कैपिटल आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्मॉल आई की वैल्यू जे की के की। तो ऑब्वियसली अगर हमें माइनस आई लिखना होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आई ज़ीरो ज़ीरो आयोटा। ओके, तो अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको आती है, तो कुछ मैंने मेन मल्टीप्लिकेशन करके बता दी कि आयोटा इंटू आयोटा करते हैं तो क्या आएगा, आई इंटू आई बोलो आप, तो दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, तो वो आ गई माइनस आई के इक्वल। ठीक है, जे सिमिलरली जे डॉट जे करके देखो आप, के डॉट के करके देखो, आई डॉट जे करोगे, आई की वैल्यू ले ली, जे की वैल्यू सॉल्व किया तो क्या आ गया, के आ गया, जे डॉट आई को किया तो माइनस के आ गया। ये आप खुद से करके देख सकते हो। तो फाइनल जो रिजल्ट्स बने वो यहाँ पर हमने कंक्लूड कर लिए कि आई को आई स्क्वायर मीन्स आई इंटू आई, जे स्क्वायर जे इंटू जे, के इंटू के, इनकी वैल्यू माइनस आई है। आई डॉट जे करते हैं तो के आता है, जे डॉट के करते हैं तो आई आता है, के डॉट आई करते हैं तो जे। इसको याद रखने के लिए जैसे हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वैसे ही ये हमने आई जे के, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना लिया। तो अगर आई और जे का करेंगे, जो डायरेक्शन मेंशन किए हैं उसके अकॉर्डिंग आई जे का आंसर के आएगा, जे और के का आंसर आई आएगा, के और आई का आंसर जे आएगा। और अगर डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे, जे और आई का करेंगे तो माइनस के आ जाएगा। तो उससे आपको इजीली ये याद हो जाएगा। तो अब इसको हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो जी विद कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन, ये एक ग्रुप बनता है और इस ग्रुप को हम नाम देते हैं क्वाटर्नियन ग्रुप। ओके, क्वाटर्नियन ग्रुप, और इसको हम डिनोट करते हैं क्यू एट से। तो क्यू एट इसका सिंबल है और इसका हमने कंपोजिशन टेबल बनाया है जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। तो फर्स्ट रो में हमने जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लिए, आई माइनस आई स्मॉल आई माइनस आई जे माइनस जे के और माइनस के, ऐसे ही कॉलम में। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है ये हमारा मेन पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये सारा हमने कैसे फिल किया, जैसे मल्टीप्लिकेशंस करके। तो मल्टीप्लिकेशंस मैंने आपको बता दी कैसे करनी है। तो अब हमें टेबल को देख के पता चल जाता है कि ये ग्रुप जो है वो एबिलियन है कि नहीं है। तो अब आप इसमें देखोगे तो जो आर वन है आपकी वो सेम है एज सी वन, आर टू है वो सेम है एज अ सी टू, बट जो आर थ्री है, मतलब थर्ड रो है ये वाली, ये हमारी थर्ड रो है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो देखो, फर्स्ट एलिमेंट दोनों का सेम है, सेकंड एलिमेंट दोनों का सेम है, थर्ड एलिमेंट सेम है, फोर्थ एलिमेंट सेम है, फिफ्थ एलिमेंट में क्या हुआ, यहाँ पर डिफरेंस आ गया। इसका मतलब थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम के इक्वल नहीं है, और अगर एक भी रो कॉलम मिसमैच हो गए तो वो ग्रुप क्या बन जाएगा, नॉन एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब ये जो क्यू एट है वो नॉन एबिलियन ग्रुप है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस नॉन एबिलियन ग्रुप का सेंटर कैसे फाइंड करते हैं और नॉर्मलाइजर किसी भी एलिमेंट का कैसे फाइंड करना है हमने। तो पहले हम सेंटर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, टू फाइंड द सेंटर ऑफ द ग्रुप, सेंटर फाइंड कैसे करना है आपने टेबल से। तो यहाँ पर करना क्या है, टेबल मैंने सेम, वही टेबल, सारी वैल्यूज सेम है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया है। वो क्यों चेंज किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, ये जो फर्स्ट रो है हमारी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मैच कर रही है आपकी,
पूरी, आप चेक करो एक के लिए एंट्री। सेकंड रो है सेकंड कॉलम के साथ मैच कर रही है, ठीक है। बाकी थर्ड हमने चेक किया था, नहीं है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, कोई भी रो किसी के साथ मैच नहीं कर रही, सिर्फ दो रोज मैच कर रही हैं, दो कॉलम्स सेम, मतलब R1 C1 के साथ, R2 C2 के साथ। तो जितनी रोज और कॉलम्स आपस में मैच करेंगे वो एलिमेंट आपके सेंटर में आएंगे। तो इसका मतलब R1 और R2 कौन एलिमेंट्स कौन से आएंगे वो कैसे पता चलता है, वो बता रहा हूँ। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मैच कर रहे हैं तो फर्स्ट रो के ऊपर जो एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम के बोल लो आप, तो फर्स्ट कॉलम के ऊपर कौन सा एलिमेंट है ये देखो, चाहे रो वाला एलिमेंट ले लो चाहे कॉलम वाला ले लो, बात तो एक ही है। फर्स्ट रो वाला हो गया कौन सा एलिमेंट, आई। अब सेकंड रो वाला कौन सा है, सेकंड रो वाला एलिमेंट है माइनस आई, या सेकंड कॉलम वाला ले लो सेम ही बात है, तो इसका एलिमेंट है माइनस आई। तो सेंटर में कौन से एलिमेंट्स आ गए, दो एलिमेंट्स आ गए आई और माइनस आई। ओके, अब हम फाइंड करेंगे नॉर्मलाइजर, हमें फाइंड करना है नॉर्मलाइजर। तो आठ एलिमेंट्स हैं तो हम सभी का नॉर्मलाइजर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया आई, ये वाला, ठीक है। तो आई की आपने पूरी रो और पूरा कॉलम चेक करना है, देखो ये आई की पूरी रो है और आई का पूरा कॉलम है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया कि रो ऑफ आई तो कॉलम ऑफ आई दोनों क्या है, आपस में एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम है तो इसका मतलब ni में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सारे सेम है, ये भी आएगा, 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 और सारे आएंगे। तो ni में क्या हो गया, सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। तो ni किसके इक्वल आ गया, Q8 के। तो वो तो हमने प्रॉपर्टी में ही पढ़ लिया था, हमने पढ़ा था कि ne किसके इक्वल आता है, g के इक्वल आता है ऑलवेज, क्योंकि i क्या है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आई का तो ऑब्वियसली हमें पता ही था कि नॉर्मलाइजर है जो Q8 के इक्वल आना है। और आई का इनवर्स क्या है, ठीक है, आई का आप इनवर्स फाइंड करोगे तो सॉरी, आई का इनवर्स तो आई ही आएगा, यहाँ पर करेक्शन करनी पड़ेगी, आई का इनवर्स आई आएगा। तो ni इज इक्वल टू Q8 है हमारे पास, ओके। अब हमें फाइंड करना है आई, स्मॉल आई का, यहाँ पर मैंने फाइंड किया नॉर्मलाइजर ऑफ स्मॉल आई, ठीक है, स्मॉल आई का नॉर्मलाइजर फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जो स्मॉल आई है उसकी रो लेनी है, जिस एलिमेंट का फाइंड करना है ना नॉर्मलाइजर, सिर्फ उसकी रो और उसका कॉलम लेना है हमें, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसमें हम एलिमेंट्स मैच करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, फर्स्ट एलिमेंट मैच हो गया, सेकेंड एलिमेंट मैच हो गया, थर्ड एलिमेंट मैच हो गया क्योंकि सेम ही है, फोर्थ एलिमेंट मैच हो गया, फिफ्थ नहीं हुआ, यहाँ पर के है यहाँ पर माइनस के, मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए कलर डिफरेंट कर दिया, जो मैच हो रहे हैं वो रेड कलर में है, जो नहीं मैच हो रहे वो ग्रीन कलर में है। फिर भी हम चेक करें तो सिक्स्थ एलिमेंट नहीं मैच हो रहा, सेवन्थ नहीं मैच हो रहा, एट्थ नहीं मैच हो रहा, तो चार एलिमेंट मैच हुए। तो अब हमें करना क्या है, ये एलिमेंट मैच हुआ है ना हमारा, ठीक है, ये वाला एलिमेंट मैच हुआ है, इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है आई, तो हमें क्या है, ये आई लेना है, ये माइनस आई लेना है, ठीक है, ये स्मॉल आई लेना है, ये माइनस आई लेना है। तो ये जो रेड कलर था जो मैच हुए थे उनके ऊपर वाले एलिमेंट ले लो, या कॉलम के अकॉर्डिंग करोगे तो ये चार ले लो, बात एक ही रहेगी। तो एन ऑफ आई क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। और आई का जो इनवर्स आता है आपके पास वो आएगा माइनस आई, मतलब अगर मैं लिखूं आप चेक कर सकते हो, इनवर्स ऑफ आई आएगा माइनस आई। तो जो हमारे पास ए का नॉर्मल और नॉर्मलाइजर और ए इनवर्स का नॉर्मलाइजर सेम आएगा, तो आप माइनस आई का भी चेक करोगे तो वो भी सेम आएगा, मेथड आपको पता चल गया। फिर भी एक और एग्जांपल लिया कि जे का भी नॉर्मलाइजर हम फाइंड कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमें नॉर्मलाइजर फाइंड करना है जे का, जे के नॉर्मलाइजर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जे की रो लेनी पड़ेगी, जे का कॉलम लेना पड़ेगा, इसमें मैच करेंगे। देखो फर्स्ट एलिमेंट जे मैच कर गया, माइनस जे मैच कर गया, थर्ड एलिमेंट यहाँ के है यहाँ माइनस के, तो ये मैच नहीं हो रहा, फोर्थ नहीं मैच हो रहा, फिफ्थ मैच कर गया, सिक्स्थ मैच कर गया, सेवन्थ नहीं मैच हो रहा, एट्थ नहीं मैच हो रहा। तो मैंने इसलिए कलर कम्बिनेशन डिफरेंट कर दिया कि रेड वाले मैच हो रहे हैं ग्रीन वाले नहीं हो रहे हैं। अब जे के ऊपर में क्या है जी, जे के ऊपर में आई,
माइनस जे के ऊपर में माइनस आई, यहाँ पर स्मॉल जे, इसके ऊपर माइनस जे, जो जो रेड कलर थे ना उसके ऊपर ले लिए, या फिर जो रेड कलर है उसके लेफ्ट में ले लो, बात एक ही रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जे के नॉर्मलाइजर में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, आई माइनस आई, जे और माइनस जे। तो ऐसे ही, क्योंकि जो इनवर्स ऑफ जे आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास माइनस जे आएगा, तो एन ऑफ माइनस जे इसके इक्वल आ जाएगा। तो के का हमने किया नहीं, ताकि अब तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो सारा कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, कि जो ग्रुप था हमारा क्यू एट, तो उसका सेंटर क्या है, जेड जी क्या है, आई और माइनस आई दो एलिमेंट थे, एन आई और एन माइनस आई आप फाइंड करके देखोगे दोनों क्यू एट के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। एन आई इसको हम यहाँ से स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको फाइंड नहीं किया ना, तो हो सकता है कि कोई मिसकंसेप्ट ना बन जाए, ठीक है। तो n माइनस आई हमने फाइंड नहीं किया है, तो उसको एक बार हमने वहाँ से स्किप कर दिया, ठीक है। ये हमने श्योरली फाइंड किया है, ये भी हमने फाइंड कर लिया कि n i और n माइनस आई इसके इक्वल है, n j भी फाइंड कर लिया, k आप खुद से फाइंड करोगे और n माइनस आई भी आप खुद से एक बार फाइंड करके देखना ज़रूर, ओके। तो यहाँ पर देखो, तो जेड जी जो है वो आपका एन ए में बिलोंग कर रहा है, कंटेन्ड है, जेड जी है जो, सॉरी, वो कंटेन्ड है, क्योंकि वो इसके अंदर भी कंटेन्ड है, वो इसके अंदर भी कंटेन्ड है, वो इसके अंदर भी कंटेन्ड है, वो इसके अंदर भी कंटेन्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जेड जी कंटेन्ड इन एन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि ये वाला, कि नॉन एबिलियन ग्रुप में क्या आंसर आएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास कि जेड जी इज कंटेंड इन एन ए। तो होप सो कि आपको सेंटर और नॉर्मलाइजर अच्छे से फाइंड करना आ गया होगा। वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि किसी और अच्छे टॉपिक पे जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है उस पे वीडियो बनाया जाए, तो आप वो टॉपिक भी सुजेस्ट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर लीजिए। थैंक यू।